चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, एमसीसी का जो स्पेशल राउंड होना है उसके लिए सीट मैट्रिक्स और शेड्यूल जारी हो चुका है। इसकी जो कंडीशनें थी, कौन कौन से कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये मैंने कल के वीडियो में बता दिया था, फिर भी मैं आज इसमें दोबारा से बता देता हूं। और वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी कितनी कट ऑफ रह सकती है। ऑल इंडिया के स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए कट ऑफ कितनी रह सकती है, ये भी मैं इस वीडियो में आपको लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो इसमें अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में भी सीट रही है, जैसे SMS मेडिकल कॉलेज में OBC की एक सीट है, बाकी अच्छे कॉलेज हैं उनमें भी सीटें हैं, बाकी केरला साउथ साइड की ज्यादा कॉलेज में सीट वैकेंट रही है। तो ये आप सीट मैट्रिक्स एक बार देख सकते हैं, पूरी इसकी वेबसाइट पर जाकर आपने सीट मैट्रिक्स चेक करना है और उसके मुताबिक आपने चॉइस फिल करनी है। तो ये सीट मैट्रिक्स आप इसमें इसकी वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसमें टोटल 323 सीट्स MBBS की अभी भी वैकेंट है ऑल कैटेगरी के लिए, और इसमें सीट मैट्रिक्स में कैटेगरी वाइज सीट वैकेंट दे रखी है, कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट कौन से इंस्टीट्यूट में वैकेंट है। तो एक बार आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह से इसका स्टडी कर ले, सीट मैट्रिक्स का स्टडी कर ले, और ये आप निर्धारित कर लें कि आपको कौन से इंस्टीट्यूट फिल करने हैं, कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है। आप ये सोच रहे हैं कि मेरे को इसी साल MBBS करना है, तो सारे इंस्टीट्यूट आप फिल कर दीजिए। अगर आपके कुछ चुनिंदा इंस्टीट्यूट हैं तो वो फिल कर दीजिए। आप ये सोचते हैं कि मेरे को दूर नहीं जाना है, मैं इस साल तैयारी करूंगा या करूंगी, तो उस प्रकार से आप च्वाइसें अपने अकॉर्डिंग फिल कर दें। तो एक बार सीट मैट्रिक्स को अच्छी तरह से स्टडी करने के बाद ही च्वाइस फिल करें। अब इसका हम एक बार शेड्यूल देख लेते हैं। तो इसमें जो शेड्यूल है वो इस प्रकार से है कि 20 और 21 अप्रैल को आप इसका पेमेंट करेंगे। पेमेंट का मतलब है कि जो आपने सिक्योरिटी मनी 50,000 पे करनी है वो 20 और 21 अप्रैल, दो ही दिन का टाइम है। मैं आपको बता दूं कि यहां बिल्कुल लिमिटेड टाइम है, काउंसलिंग के लिए जो स्पेशल राउंड कंडक्ट हो रहा है उसके लिए बिल्कुल ही लिमिटेड टाइम है। तो आपको इन दो दिनों में ही सिक्योरिटी मनी 50,000 डिपॉजिट करनी पड़ेगी। ये डिपॉजिट करने के बाद आप चॉइस फिल भी इन्हीं दो दिन में कर सकते हैं, यानी 20 और 21 अप्रैल 22 को आपने चॉइस फिल भी करना है। सिक्योरिटी मनी पहले 50,000 डिपॉजिट करनी है और उसके बाद में आपने चॉइस फिल करनी है। इसके बाद में 22 को रिजल्ट प्रोसेसिंग होगा, ये MCC का काम है, और 23 अप्रैल को ये रिजल्ट आ जाएगा, स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। 24 से लेकर 28 तक रिपोर्टिंग होगी, 5 दिन के लिए रिपोर्टिंग होगी। तो आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो कॉलेज में जाके आप रिपोर्ट करना है। अब मैं आपको यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शंस बता देता हूं कि आपने ये चॉइस फिल और ये कैसे करनी है। तो आपने रजिस्ट्रेशन पहले ही कर रखा है, इसमें कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। स्पेशल जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है इसके लिए कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आपने जैसे पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है, आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपके पास एक ऑप्शन आएगा सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करने का, वहां पर आपने 50,000 रुपीज डिपॉजिट करना है और उसके बाद चॉइस फिल करनी है। जैसे पहले आपने चॉइस फिल की थी वैसे की वैसे आपने चॉइस फिल करनी है। तो ये तो प्रोसेस हो गया कि कैसे आपने अप्लाई करना है, कैसे चॉइस फिल करनी है। अब मैं आपको ये क्लियर बता देता हूं कि आपको कॉलेज वही फिल करनी है जो आपको लेनी है, कहीं आप देखने के लिए कॉलेज फिल मत करना। क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि अच्छी कॉलेज मिलेगी तो ले लेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। तो इसमें अगर आपको कॉलेज मिल गई और आप उसमें ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका 50,000 जो अभी सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कर रहे हैं उसका आपको लॉस हो जाएगा। इसलिए आपको जो कॉलेज लेनी है वही कॉलेज इसमें फिल करना है, ताकि किसी दूसरे स्टूडेंट को, किसी निडी स्टूडेंट को भी सीट मिल सके, सीट ब्लॉक वाला अभी इस राउंड में कोई चक्कर ना हो। तो आपको वही सीट फिल करनी है जिस पर आप बिल्कुल मन बना लें कि ये सीट मेरे को लेनी है, नहीं तो फिर सीट वैकेंट होती रहेंगी और फिर
आगे ये जो है वैकेंटी सीट रहेंगी, क्योंकि अभी आगे काउंसलिंग तो होनी नहीं है, काउंसलिंग ये लास्ट काउंसलिंग है, तो आपने सीट उसी प्रकार से फिल करना है। इलिजिबल कौन है ये मैं आपको बता चुका हूं, वही कैंडिडेट इलिजिबल हैं जिनको अभी तक ऑल इंडिया कोटा और स्टेट में कहीं भी सीट नहीं मिली है, कहीं भी उन्होंने ज्वाइन नहीं कर रखा है, वो इलिजिबल है। किसी ने अगर स्टेट में भी ज्वाइन कर लिया है वो भी इलिजिबल नहीं है, और ऑल इंडिया में भी अगर किसी ने ज्वाइन कर लिया है तो वो भी इलिजिबल नहीं है इसमें। दूसरा, ऑल इंडिया के मोपअप और स्टे वैकेंसी राउंड में जिन कैंडिडेट को सीट अलॉट हो गई और ज्वाइन नहीं किया वो भी इसके लिए इलिजिबल नहीं है। तो ये मैंने आपको कट ऑफ बता दी है, सॉरी ये आपको कंडीशन बता दी है। अब बात करेंगे हम कट ऑफ की, ये इसकी कट ऑफ कितनी डाउन जा सकती है। तो इसकी जो कट ऑफ डाउन जाएगी वो हर एक कैटेगरी में एक मार्क्स डाउन जाने की संभावना है, ज्यादा से ज्यादा ये 2 मार्क्स डाउन जा सकती है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कंडीशन में मैं बात करूं तो ये कट ऑफ 595 या फिर 596 ये कट ऑफ रह सकती है स्पेशल स्टे राउंड के लिए। लेकिन जिन कैंडिडेट्स के 590-580 तक मार्क्स हैं वो भी इसमें चांस ले, क्योंकि हो सकता है मैंने कट ऑफ बता दी हो उससे भी कट ऑफ डाउन चली जाए, तो समय का कोई पता नहीं लगता है, चांस हर एक आदमी को लेना चाहिए। मैंने प्रीवियस ईयर में भी देखा है कि कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि बहुत कम मार्क्स पर ऐसे चांस में सीट मिली है। अभी ये लक की बात है कि एक कैंडिडेट को काफी अच्छे मार्क्स होते हुए भी अच्छी सीट नहीं मिल रही है और दूसरे कैंडिडेट को स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में अच्छी सीट, लो मार्क्स होने के बाद भी अच्छी सीट मिल जाएगी। लेकिन ये कुछ अपॉर्चुनिटियां होती हैं, ऐसा होता है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि समय का कोई पता नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट सीट से भी वंचित रह जाता है, और कभी ये लास्ट में ऐसा भी होता है कि अच्छे कॉलेज में भी सीट मिल जाती है। लेकिन मैं आपको यहां एक बात बताऊं कि जिस स्टूडेंट ने एमबीबीएस में अच्छी मेहनत की है या अच्छी मेहनत करेगा, वो चाहे उसको इंस्टीट्यूट कोई भी अलॉट हो, वो स्टूडेंट अपने आप को एक अच्छा डॉक्टर बना जाएगा। तो आपने ये नहीं सोचना है कि मेरे को ये इंस्टीट्यूट मिल गया ये अच्छा नहीं था, मेरे से डाउन मार्क्स वाले कैंडिडेट को ये इंस्टीट्यूट मिल गया, तो ऐसा सोच के आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन कैंडिडेट को ऑलरेडी सीट मिल गई है तो ये चांस होते हैं किस्मत के, हो सकता है सीट मिल जाए, नहीं हो सकता है सीट नहीं मिले। तो जो कंडीशनें थी मैंने आपको बता दी हैं, फिर अगर कोई अपडेट मिलेगी तो नेक्स्ट के वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा, फिर आपको सजेस्ट करूंगा कि क्या करना है। तो तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूं विदा, जय हिंद।